हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं मैथ्स के, जो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है और इसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसे आप समझकर किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल एट 8:30 PM, इट रीच टू भोपाल आफ्टर 8 hours and 30 minutes, एट वॉट टाइम इट विल रीच टू भोपाल, ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घड़ी देखनी आनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ पर एक घड़ी आपको बनाकर समझा देते हैं। ये हमने बना दी घड़ी। अब यहाँ पर सबसे ऊपर नंबर कौन सा होता है, 12, और उसके नीचे होता है 6, वो लिख दिया, और यहाँ पर होता है 3, और यहाँ पर होता है 9। अब उसके बाद इसके यहाँ पर होता है 1, ये 2, 3 के बाद 4, और ये आ गया 5, और ये 6 के बाद 7, और यहाँ पे 8, और ये 9 है 10, और यहाँ पर हो जाएगा 11। उसके बाद ये सुई है, और यहाँ पर आपकी सुई कहाँ पर है उससे हमें मतलब नहीं है। आपको इसमें समय बताया गया है कि कई बजे आपकी ट्रेन निकली है दिल्ली से भोपाल के लिए। तो दिल्ली से आपकी ट्रेन निकली है 8:30 पर। तो 8:00 यहाँ पर एक सुई थी आपकी, 8:30 पर एक मिनट वाली सुई थी। तो 8:30 पर आपकी सुई यहाँ से ट्रेन निकली है, और कितनी देर के बाद पहुँचेगी भोपाल, जबकि उसको पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, उसको पहुँचने में 8:30 का समय लग रहा है। तो 8 से लेकर 12 बजे तक देखिए कितना टाइम है, टोटल इसको समय लग रहा है ट्रेन को पहुँचने में 8:30 का समय लग रहा है, और ट्रेन आपकी निकली कई बजे है, 8:30 निकली है, 8:30 पर ट्रेन निकली है और 8:30 में पहुंचेगी भोपाल। तो आप 8 घंटे पहले जोड़िए कहां पर कंप्लीट होगा, ये 8:30 ट्रेन निकली है और आधे घंटे बाद 9 बज जाएगा, ये वाला आधा घंटा पहले हम जोड़ लेते हैं ताकि नंबर पूरा हो जाए। 8:30 ट्रेन निकली है और ये वाला आधा घंटा जोड़ेंगे तो 9 बज जाएगा, 9 बजे आधा घंटा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 9 से 12 हमें 8 घंटे और जोड़ने हैं 9 से, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 9 के बाद देखिए 1, 2, 3, 3 घंटे यहां तक पूरे हो गए और हमें 8 घंटे पूरे करने हैं। 3 घंटे यहां तक हो गए, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 8 घंटे यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ठीक 5 बजे सुबह आपकी ट्रेन 5 AM पर पहुंच जाएगी। कहां पर, भोपाल पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम 3600 हाउ मेनी टाइम्स टू 120 इज सब्ट्रैक्टेड सो दैट इट रिमेन्स 0। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको अपनी मदर टंग में से अच्छी तरह से आप समझ लीजिए ताकि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें लिखा हुआ है 3600 यानी 3600 में से कितनी बार 120 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कितने टाइम घटाया जा सकता है, तो कैसे हम निकालेंगे। इस सवाल को समझने से पहले ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आपको नहीं आता है तो इसे करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन इसी एग्जाम्पल पर बेस एक मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोटा सा पहले यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए एक नंबर है 6 मेरे पास में, ये बहुत छोटा नंबर है, इसमें हम कुछ भी कैलकुलेट करना चाहें कर लेंगे। उसमें से आपसे कहा जाए कि 6 में से हमें 2 घटाना है, कितना घटाना है हमको, 2 घटाना है, तो कितनी बार घटा सकते हैं, कितने टाइम्स घटा सकते हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये छोटा सा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को एक बार माइनस करते हैं, देखिए कितना आएगा, 4 आया। हमें बताना है कितनी बार हम 2 को घटा सकते हैं, तो एक बार घटाया तो आया कितना, 4। फिर इसमें से 2 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब फिर 2 में से एक बार और हम 2 घटाएंगे तो 0 बच जाना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है इट रिमेन 0 बचना चाहिए, तो फिर से एक बार 2 घटाएंगे तो बच गया 0। तो हमने 6 लिया था, 6 में से एक बार ये घटाया, फिर दूसरी बार ये घटाया, और फिर तीसरी बार ये घटाया, यानी टोटल हमने 3 बार में घटाकर 0 लाए हैं, यानी 6 में से 2 कितनी बार घटाएं कि 0 आ जाए, 6 में से 2 3 बार घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये 3 बार यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है, लेकिन ये 3 बार बार घटाते हैं
तो हमें बहुत दिक्कत होगी। मान लीजिए छोटा नंबर है तो आपने घटा लिया, बहुत बड़ा नंबर होता तो आप इस तरह से नहीं घटा सकते। तो उसके लिए ये थ्री हम कैसे लाएं, एक और कौन सा तरीका है जो बहुत आसान है और उसी तरीके से निकाला जाता है। ये तरीका सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो हम ये थ्री आंसर किस तरह से ला सकते हैं, देखिए टोटल नंबर है आपके पास सिक्स, सिक्स में से टू कितनी बार घटा सकते हैं, कितनी बार, तो उस टू से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो घटाना है उस नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, ये थ्री आ गया, यही आंसर है आपका। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए, सवाल में आपके लिखा हुआ है कि 3600, ये 3600 ये एक नंबर है और इसमें से 120 कितनी बार घटा सकते हैं, तो 120 कितनी बार घटाएंगे, बहुत बड़ा नंबर है नहीं घटा सकते। तो ये तरीका क्या है, जो नंबर घटाना है उसी से डिवाइड कर दीजिए, 120 घटाना है उससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपका आंसर आ गया है 360/12। अब आप क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट काटिए, नहीं 2 से काटिए फिर 3 से काटिए, इस तरह से आप काट सकते हैं। तो 12 का पहाड़ा हम डायरेक्ट पढ़ेंगे एक बार, 12 एक कम 12, 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 तिया 36 होता है, ये वाला 0 है वो इसके साथ लग जाएगा। इसे सॉल्व करके आ गया है 3 और 0, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया है 3030, यानी कि 3600 में से 120 कितनी बार घटा सकते हैं, 30 बार घटाया जा सकता है और उसके बाद 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। तो अगला एग्जांपल देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन 36,490 एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ 6 एंड 9 एंड दस वी ऑब्टेन अ न्यू नंबर, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है आपके पास एक नंबर है जो नंबर है 36490, तो ये नंबर यहां लिख दे रहे हैं 36490 ये नंबर है, तो इन 36490 ये नंबर है, और इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ 6 एंड 9, यानी 6 एक नंबर है और एक नंबर है 9, इसकी हमें क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, उसके बाद कुछ दूसरा नंबर बन जाएगा जब पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, इसको हमें दिया गया है कि ये ओरिजिनल नंबर है, तो इसको ओ लिख दे रहे हैं, ये ओरिजिनल नंबर है। उसके बाद जब पोजीशन चेंज करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब पोजीशन चेंज कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 और 6 की पोजीशन चेंज करनी है, तो 6 की जगह 9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 की 9 की जगह 6 लिख देंगे, उसके बाद 0 है 0 लगा देंगे, ये आ गया आपका न्यू नंबर, न्यू लिख दिया यहां पर। अब आपसे इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दो नंबर है, इनका हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि घटाकर आंसर बताना है, बस इतना काम करना है। तो इसमें पहले आप देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटाया जाता है, ये नंबर देखिए 3 के बाद 9 आ गया, 3 के बाद 6 है, तो बड़ा नंबर ये हुआ, तो बड़ा नंबर पहले हम लिखेंगे 39460 और छोटा नंबर नीचे लिखेंगे 3649 और 0। इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, ये आपका ओरिजिनल नंबर था ये वाला और ये है आपका न्यू नंबर, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालकर आंसर बताना है, घटाना है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 9 घटा नहीं सकते, एक उधार लेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा यहां पर 7, यहां लिखा 4 है मगर आप अपने माइंड में सोचेंगे कि 3 बचा क्योंकि एक उधर जा चुका है, तो 3 में से 4 घटा नहीं सकते, एक उधार लेंगे 13, 13 में से 4 गया तो बचेगा 9, यहां लिखा 9 है मगर अपने माइंड में समझिए कि यहां 8 लिखा है क्योंकि एक उधर जा चुका है, 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, उसके बाद 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो आपका आंसर आ गया है 2970, यानी 2970 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते थे। आइए अगले एग्जांपल को देखें। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है और इसमें एक नंबर जो दिया गया है 2 सही 2/3, ये नंबर फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न में लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, यानी जो नंबर फ्रैक्शन में है इसका हमें रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसको पलट कर उसका आंसर कितना आएगा, कैसे लिखेंगे देखिए आप, यहाँ पर नंबर है आपके सामने भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में, नंबर लिखा हुआ है 2 सही 2/3, इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और इसका हमें उल्टा बताना है। तो उल्टा बताने से पहले ये फ्रैक्शन में
है मगर ये मिश्रित फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन नंबर में है। तो पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। इस तरह से नंबर है तो इसको पहले हम ऊपर कुछ नंबर लिखें और फिर बटे की लाइन और फिर नीचे कुछ नंबर लिखें, यहां पर कुछ नंबर नहीं होना चाहिए। तो कैसे इसको बनाएंगे, यहां पे इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, जितना आए उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दिया जाता है। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, जितना आया उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 और 2 मिला के हो जाएगा 8। तो 8 ऊपर लिख देंगे, नीचे जो नंबर है वो वही लिखा रहने देंगे। तो इस फ्रैक्शन को इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसका बताना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उसका उल्टा। तो 8/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को भी कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्सर के साथ।